आज मैं भगर आमटी का रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। तो मैं पहले आमटी बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई गरम हो गई है, मैं इसमें शिंगदाना तेल बस 2 चम्मच डाल दूँगी। अब हमारे इधर फास्टिंग में जीरा नहीं खाते हैं, तो अगर आप खाते हो तो जीरा भी डाल सकते हो। इसके अंदर मैं लाल मिर्ची डाल दूँगी। और तुरंत ही इसके अंदर हमें कटे हुए आलू ऐड कर देना है। अगर आप जीरा चाहते हैं तो जीरा डाल सकते हो। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर दें। अब इसके अंदर हमें डालना है स्वादानुसार नमक। और इसके अंदर तुरंत हमें ऐड करना है वो जो सिंगदाना मैंने भून कर लिया था ना, मूंगफली, तो उसको मिक्सर में बारीक बना ऐसे कूट कर लेना है। बस वही ऐड किया है। इसी स्टेज पे आप जो कच्चा नारियल होता है उसकी पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने लगभग 1 कटोरी सिंगदाने का कुट्टा डाला है। अभी इसे लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देना है, ठीक है? यहाँ पे स्लो फ्लेम पे रख देना है आमटी को। और यहाँ पे मैं अभी भगर बना रही हूँ, तो इसके लिए ये जो भगर है ना, मैं पहले धोकर ले रही हूँ। मैंने 2 कटोरी भगर लिया है, अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें कचरा होता है। तो आमटी को पहले मैं ढककर रख देती हूँ। और बगर के लिए दूसरी कढ़ाई ली है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसके अंदर भी तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच। अब इसके अंदर हमें तुरंत ही बगर को ऐड कर देना है। 2-3 पानी से धोकर लेना है बगर को हमें। और इसमें हमें पानी डाल देना है बहुत सारा। ये देखिए इतना सारा पानी मैंने डाल दिया है। तुरंत ही हमें नमक को भी ऐड कर देना है स्वादानुसार। और इसे भी हमें स्लो फ्लेम पे पकाना है ढककर। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर कम पानी डाले तो खुली खुली भगर बनती है, ज़्यादा पानी डाले तो थोड़ा सा पतला सा बैटर बनता है। देखिए दोनों भी स्लो फ्लेम पे रख दिया है गैस। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर। ये देखिए हमारी आमटी बन के रेडी है। कितना अच्छा कलर आया है। गैस को कर देते हैं बंद। अभी भगर भी दिखाती हूँ।
भगर भी बन के रेडी है, तो इसको हमें बिल्कुल हिलाना नहीं अभी तक। भाप में पक जाती है भगर, तो इसका भी गैस बंद कर देते हैं। तो हमारा भगर आमटी बन के रेडी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी होती है फास्टिंग की। देखिए हमारी आमटी भगर और शकरकंदी का हलवा रेडी है बनके, तो हम एंजॉय करेंगे इसको। तो आपको भी मेरी रेसिपी कैसी लगी आप बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।